namah. Om aim 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 namah. रहने दे आसमां जमी की तलाश कर, सब कुछ यही है ना कहीं और तलाश कर। जी हाँ, सही बात है ये। और इसीलिए आइए आज हम जमी से जुड़कर आसमां की ऊंचाई को नापे। सपनों में नहीं, आज हम रूबरू हकीकत में जाके विश्व के एक ऐसे अजूबे को हम अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे, दिल से महसूस करेंगे और इसके साक्षी बनने वाले अपने वजूद को हम खुश नसीब मानेंगे। कई अजूबों से भरे हुए इस विश्व में अद्भुत और आश्चर्यकारी घटनाएं घटती रहती हैं। प्राचीन संस्कृति के इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटे तो मन, आत्मा और चेतना शक्ति के अगम्य रहस्य को पाएंगे। इसी श्रृंखला में करीब 500 साल के बाद इतिहास ने करवट ली और ये सिलसिला आगे बढ़ा। मुंबई की धन्य धरा पे 16 दिसंबर 2014 को कुछ सुहाने लम्हों में एक सुवर्ण पृष्ठ इतिहास में जुड़ गया। मौन, संयम, साधना और गुरु कृपा के माध्यम से मन की अगाध शक्ति का प्रयोग यानी पंच शतावधान। पूज्य जैनाचार्य नयचंद्र सागर सूरीजी के सिर्फ 25 वर्ष आयु के शिष्य रत्न महाशतावधानी युवा मुनि श्री अजित चंद्र सागर जी ने 7,000 की तादाद में बैठे हुए विशिष्ट लोगों की नजर के सामने यह इतिहास रचा। आइए आप भी देखिए आध्यात्म योग द्वारा मन शक्ति के विकास का प्रयोग अर्ध सहस्त्र दावधान पंच शतावधान 500 अवधान। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। ॐ ऐं नमः। आज परम पूज्य आचार्य नयचंद्र सागर सूरी महाराज, उनका एक प्रयास ऐसा रहा है कि सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से हम कोई चमत्कार करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे आत्मा की शक्ति है, हमारा सुषुप्त मन है, उसे जागृत करें। सरस्वती की उपासना द्वारा ये संभव है और वो साधना करते करते हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसे हम ये ज्ञान दें और आने वाली पीढ़ी जो है उस ज्ञान को आगे बढ़ाए। और उसी परंपरा में आज हमारे बीच में पूज्य युवा शतावधानी मुनि श्री अजीत चंद्र सागर जी महाराज साहब यहाँ जो विशेष अवधान का कार्यक्रम है और वो है अर्ध सहस्त्र अवधान। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, अमने आपो आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतरनाथ। गुरु जी हमारो अंतरनाथ। गुरु जी हमारो अंतरनाथ। गुरु जी हमारो अंतरनाथ।
गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ, गुरुजी हमारो अंतरनाथ। पूज्य पाद गुरु भगवान ने वधावा माटे उमेश भाई ना श्राविका, नीमा बेन अने गौरांग भाई ना श्राविका, जुली बेन ऊपर पधारे। ओम ऐं नमः, 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 ओम ऐं नमः। गुरुदेव हमारे सभी के बीच में पधारे हैं और आप सभी की ओर से यहाँ उनको वंदन करते हुए, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना टड़े, एवा जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सरस्वती साधना फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन के सभी चीफ पेट्रन दाता माननीय श्री निमिष भाई कंपाणी, धर्मेश भाई निर्मल लाइफस्टाइल, महावीर जी दावरा, मयूर भाई शाह मैराथन ग्रुप, दामजी भाई एंकरवाला, किरण भाई के हेमाणी, जस्टिस मोहित भाई शाह महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस है, जस्टिस तातेड़ साहब, और जिन्होंने जिन शासन को ये अनूठी भेंट दी है, ऐसे कुमुद भाई जो अजीत चंद्र सागर महाराज साहब के परम पूज्य पिताश्री है, सबको स्टेज पे पधारने को निवेदन है और उनके हस्ते दीप प्रागट्य और सरस्वती माता की वंदना होगी। साथ में ही हमारे इस सारे कार्यक्रम के पत्थर की जो नींव है, ऐसे JYF के धर्मेश भाई और जिग्नेश भाई, उमेश भाई गाला और सुधीर भाई पटनी को भी निवेदन है कि आप स्टेज पर पधारो। निर्मला बेन सरदार मलजी जैन, कृपया स्टेज पर पधार के दीप प्रागट्य और सरस्वती माता को पुष्प अर्पण करके कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। मैं हमारे सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन के ट्रस्टी वर्य, चीफ पेट्रन माननीय धर्मेश भाई सरदार मल जी जैन को निवेदन करता हूं कि अवकार प्रवचन के लिए पधारे। पूज्य आचार्य गुरु भगवान श्री नयनचंद्र सागर जी, मुनि श्री अजित चंद्र सागर जी, मंच पे उपस्थित आचार्यगण, साधु भगवंत, साध्वी भगवंत, यहाँ विराजमान सब महान भाव मित्रों, हर एक के जीवन में कोई न कोई ऐतिहासिक क्षण आता है। मेरे पिताजी को मैं जब भी पूछता था कि उनके जीवन में सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक क्षण या वो मोमेंट कौन सा था, वो हमेशा ये कहते थे कि उन्होंने एक बार गांधी जी की स्पीच सुनी थी और दैट वॉज द मोस्ट हिस्टोरिक थिंग दैट ही एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ। मित्रों 500 वर्षों पहले सहस्त्र अवधान का एक कार्यक्रम हुआ था, या कोई भी है जिसके दादा परदादा उस कार्यक्रम में उपस्थित थे? शायद नहीं। द ग्रेट थिंग अबाउट टुडे इज कि शायद अगले 500 वर्षों तक ये चीज ना हो, लेकिन अगले 500 वर्षों के बाद में जब ये चीज वापस हो, एंड दैट इज हाउ यूनिक दिस इज, कि अगर 500 वर्षों के बाद में वापस ये चीज रिपीट हो, द ग्रेट थिंग अबाउट टुडे इज कि शायद हमारे पोतों के पोते जब ये डिस्कशन में बैठे हो तो वो कह सकते हैं कि यूट्यूब पर जाके वो बता सकते हैं कि इस कार्यक्रम में मेरे परदादा और उनके परदादा जो थे वो इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। दैट इज हाउ यूनिक दिस प्रोग्राम इज। मित्रों अगर आप अगेन हिस्ट्री देखें तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि
एक गुरु के चार शिष्यों ने 100 अवधान या उससे ज्यादा किए हो। पहली बार पूरी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक गुरु के चार शिष्यों ने 100 अवधान या उससे ज्यादा किए हैं। एंड आचार्य श्री इज वेरी क्लियर कि यह कोई मिराकल नहीं है, देयर इज अ सिस्टम। इंडियन संस्कृति में सरस्वती साधना नाम की एक महान चीज थी जो कई अपने रत्नों की तरह लिप्त हो गई, एंड सरस्वती साधना करने से यह चीज मुमकिन है, एंड एवरी पर्सन हु परस्यूज दिस एज अ लाइफ गोल कैन अचीव दिस। मित्रों, समाज के सामने 100 अवधान हुए, उसके बाद में 200 अवधान हुए, चार मुनियों ने अवधान किए, 12 वर्ष के बाल मुनि ने अवधान किया, और आज प्रोबेबली समथिंग एब्सोल्युटली हिस्टोरिक इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस। हम 500 अवधान देखने जा रहे हैं, लेकिन आज हम सब ये प्रण ले कि सरस्वती साधना पूरे विश्व में फैलाने का सपना जो आचार्य श्री का है वो हम सब मिलकर पूरा करें। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सूरत से पधारे हुए निकुंज भाई शाह को निवेदन करूंगा। प्रणाम। आप अपने अवधान बुक पेज नंबर 16 पे चले जाइए। अवधान की शुरुआत कर रहे हैं उसके पहले सभी लोगों से निवेदन करता हूं, आप सभी लोग अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। अवधान का पहला पड़ाव शुरू करने जा रहे हैं, अवधान नंबर 1 से लेके 10 तक। आप कोई भी क्वेश्चन 5 से 7 शब्दों में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? जस्टिस मोहता सर, अवधान नंबर 1। इंसान झूठ क्यों बोलता है? जस्टिस भंगारे साहब, नंबर 2। क्या स्वर्ग सच्ची वास्तविकता है? नंबर 3, जस्टिस श्री राम सर। आत्मा क्या होता है? नंबर 4, जस्टिस ताटेड सर। गौतम बुद्ध का जन्मस्थान। नंबर 5, वल्लभ बंसाली सर। गौतम स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर 6, निमेश कंपाणी सर। ऋषभदेव परमात्मा का केवल ज्ञान कहाँ हुआ था? इंसान का जीवन का असली उद्देश्य या ध्येय क्या है? ऋषभदेव भगवान के माता पिता का नाम क्या था? जीवनी उत्पत्ति कई रीते थी? महात्मा गांधी ने जन्म तारीख कई हते? अवधान नंबर 11 से लेके 20 तक आपको सुवाक्य और कहावतें बोलनी है। सा विद्या सा विमुक्तये, जेने आत्मा जानियो तेने सर्व जानियो। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, जो जीता वही सिकंदर। सब लोको प्रकंपितो, गुरुदेव भव, प्रभु नामे आनंद कंद। विद्या विनय थी शोभे, नमे ते सौने गमे। अवधान के आगे के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए अवधान नंबर 21 से लेके 40 तक आपको एक गुजराती शब्द बताना है। ध्यान रहे, आपको सिर्फ गुजराती शब्द बताना है, और उस गुजराती शब्द का आपको समानार्थी चाहिए या विरुद्धार्थी चाहिए वो आपको बताना है। कमल समानार्थी, सुसुम समानार्थी, पुण्य विरुद्धार्थी, अंक समानार्थी, पानी समानार्थी, सफलता समानार्थी, सोहम विरुद्धार्थी, नर समानार्थी, मिथ्यात्व विरोधार्थी, प्रेम नो विरोधार्थी। अवधान के आगे पड़ाव में आगे बढ़ते हुए 31 से लेकर 40 तक समानार्थी और विरोधार्थी आपको बताते रहने हैं। आरव समानार्थी, आचार समानार्थी, पवन समानार्थी, शांति समानार्थी, उत्साह विरोधार्थी, धरती विरोधार्थी, नेत्र समानार्थी, दृष्टांत समानार्थी, आकाश विरुद्धार्थी, आंतरिक विरुद्धार्थी। अवधान नंबर 41 से लेके 60 तक
आपको जैन अजैन साधु एवं धर्म ग्रंथों के नाम बताने हैं। 45 आगम विशेष आवश्यक भाष्य धर्म बिंदु ग्रंथ भंडारकर बुक कल्प सूत्र आत्मसिद्धि शास्त्र गंधर्ववाद सूत्र अध्यात्म सार सूत्र बारसा सूत्र परम पूज्य राजेंद्र सूरी महाराज साहेब भक्त चिंतामणि शासन सम्राट श्री नेमिसूरी सिरजी महाराज साहेब रामायण आचारंग सूत्र त्रिषष्टि शलाका पुरुष प्रकाश चंद्र जी स्वामी महाराज साहेब समय सार आचार्य गुणसागर सूरीश्वर जी कुरान परम पूज्य नागेंद्र गुरु महाराज साहेब अवधान के आगे के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए अवधान नंबर 61 से लेके 80 तक आपको देश और दुनिया के महान वैज्ञानिक एवं देशभक्तों के नाम बताने हैं। डॉक्टर होमी भाभा लाल बहादुर शास्त्री एडोल्फ हिटलर एरिस्टॉटल सरदार वल्लभ भाई पटेल चंद्रशेखर आजाद पंडित टोडरमल जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वीर भगत सिंह संत ज्ञानेश्वर महात्मा गांधी मदर टेरेसा इंदिरा गांधी डॉक्टर CV रामन पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकमान्य तिलक पूज्य कांजी स्वामी हाइजेनबर्ग रानी लक्ष्मीबाई स्वामी विवेकानंद 81 खानों वाला एक कोष्टक यहां पे आपको दिखाया जाएगा। एक से शुरुआत होते हुए 81 नंबर, फिर दो से शुरुआत होते हुए 81 नंबर, फिर तीन से शुरुआत होते हुए ऐसे एक से लेके 9 डिजिट तक शुरुआत होते हुए 9 पेजेस यहाँ महानुभाव को दिए जाएंगे। उसमें से कोई भी एक पेज सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किए गए पेज पे 9 महानुभाव से अलग अलग नंबर उस पे उनको सिलेक्ट करना है, उनको जो भी पसंद हो वो नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर पसंद हो जाए उसकी हॉरिजेंटल लाइन और उसकी वर्टिकल लाइन, उसकी रो उसकी कॉलम, उसमें आप कोई नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे 9 नंबर सिलेक्ट हो रहे हैं, वॉलेंटियर बीच में वो काम कर रहे हैं। इसके बीच में हम आगे बढ़ते हैं 81 से लेके 89 तक के अवधान में। अवधान नंबर 81 देश और दुनिया के वंडर्स, प्रसिद्ध स्थापत्यों फेमस बिल्डिंग के सिर्फ आपको नाम बताने हैं देश और दुनिया के। सांच स्तूप, दिलवारा मंदिर, ओपेरा हाउस, खंबा तीर्थ, माउंट फिजी, अजारी मालकुंडेश्वर जी, ताजमहल, संकेश्वर तीर्थ, कुतुब मीनार। अवधान नंबर 90 यहां से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की शुरुआत होती है। इसमें आपको 2 डिजिट का एक नंबर पहले सेलेक्ट करना है, उसमें 2 डिजिट का एक नंबर ऐड करना है और ऐसी 11 इक्वल डिस्टेंस वाली समांतर संख्याएं बतानी है। 2 डिजिट की एक संख्या और उसमें 2 डिजिट की एक संख्या आपको ऐड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 25 सिलेक्ट की है और उसमें आप 25 ऐड करना चाहते हो तो 25, 50, 75, 100, 125, 150 5 इक्वल डिस्टेंस वाली नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 90 पे बतानी है और बैलेंस 6 नंबर आपको अवधान नंबर 100 पे बतानी है। 22, 44, 66, 88, 110 अवधान नंबर 91 से लेके 99 तक जो कोष्टक आप सभी महानुभावों ने वॉलेंटियर्स को दिया है और उसमें से 9 नंबर सिलेक्ट होके हमारे पास आए हैं वो मुनिश्री एक सेकंड के लिए देखेंगे।
और वो 9 नंबर का टोटल कर देंगे, आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जाएगा, आपको 1 by 1 91 से लेकर 99 तक ये 9 नंबर आपको लिखना है, उसका टोटल करके रखना है। मुनिश्री जब उत्तर देना शुरू करेंगे तब ये 9 नंबर्स का टोटल हमें बताएंगे। आप अपना टोटल करके रखिए, हम आगे बढ़ते हुए अवधान नंबर हंड्रेड्स। जिन्होंने अवधान नंबर 90 पे 5 सीक्वेंस नंबर बताए थे, वही बाकी के 6 नंबर्स बताएंगे धीरे धीरे। 132, 154, 176, 198, 220, 242। 90 और 100 ये दोनों मिला के 11 नंबर्स हो गए हैं। आपको टोटल करके आपको अवधान बुक में लिख के रखना है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए माननीय पंडित वर्य जीतू भाई पंडित, जो कि LD इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी डायरेक्टर है अहमदाबाद, वो सरस्वती साधना और संस्कृति उसके बारे में हमें मार्गदर्शित करेंगे। माननीय जीतू भाई पंडित। पूज्य आचार्य भगवान, साधु भगवंतों, साध्वी जी महाराज, उपस्थित संतजन, साधर्मिक भाइयों एवं बहनों, जिज्ञासुओं, मुझे आज से 300 साल पहले की एक घटना याद आ रही है। उपाध्याय यशो विजय जी जो अध्ययन करने के लिए उस जमाने में काफ़ी कष्ट सहन करके बनारस गए थे, और बनारस में अध्ययन करते हुए उनको ये भावना हुई थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर लूँ, कम समय में ज़्यादा अध्ययन करने के लिए माँ सरस्वती की कृपा अत्यंत आवश्यक होती है। और उपाध्याय यशो विजय जी ने माँ सरस्वती देवी की आराधना की, गंगा नदी के किनारे पर बैठ करके सरस्वती देवी को प्रत्यक्ष किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था। आज हमारे सामने मुनिश्री ये पंच शतावधान के प्रयोग कर रहे हैं, तब हमें कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है कि साक्षात सरस्वती देवी आज मुनिश्री के जीवन में अवतरित हो रही है। सरस्वती देवी की साधना से हम अनगिनत और आश्चर्यकारी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, इसका यह प्रत्यक्ष दृष्टांत है। सरस्वती देवी की साधना भारतीय परंपरा में सभी धर्मों ने स्वीकार की हुई है। वैदिक परंपरा का अध्ययन करो आप, बौद्ध परंपरा का अध्ययन करो या जैन परंपरा का अध्ययन करो, सभी जगह पर सरस्वती देवी की साधना का महात्म्य गाया है, और उसी के आज हमें यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। हमारे जीवन में यदि हम सरस्वती देवी की साधना कर सकते हैं या करेंगे तो हमें भी उसकी कृपा प्राप्त हो सकती है। आज जो घटना यहाँ घट रही है वह एक आश्चर्यकारी घटना होते हुए भी वैज्ञानिक घटना है। साधना के द्वारा सरस्वती देवी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके रहस्य भी यहाँ हमें दिखाएंगे, और उसके प्रत्यक्ष दृष्टांत स्वरूप जो मुनिश्री यहाँ पंच शतावधान के प्रयोग कर रहे हैं, ये करीब 5 शती के बाद ये घटना घट रही है। 500 साल और आने वाले 500 सालों में शायद यह घटना घटेगी या नहीं, यह कहना अत्यंत दुष्कर है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी घटना हमारे जीवन की एक सौभाग्यमय घटना है, परम पावन घटना है, और इस घटना की अनुमोदना करते हुए हम सरस्वती की देवी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर मुनिश्री की साधना को नमन करता हूँ, गुरु की साधना को नमन करता हूँ, और यहाँ हम यही कामना करता हूँ कि सरस्वती देवी की कृपा हम सभी लोगों पर उतरें।
अवधान का एक नया प्रकार व्युत्क्रम दर्शन अवधान। अवधान में सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे टिपिकल, अगर आप किसी को अवधान को मानते हो तो यह अवधान का क्रम है। दर्शन अवधान शुरू करने से पहले मैं जरूरी सूचनाएं देना चाहूंगा। यहां पे वॉलेंटियर्स आपको हेल्प करेंगे। 101 से लेके 130 तक दर्शन अवधान चलेंगे। वो दर्शन अवधान में यहां से कोई भी नंबर वाली कूपन आप उठा सकते हो, फिर यहां से नंबर अनाउंस होगा। कोई भी 5 नंबर हम छोड़ भी देंगे। आप जब यहां पे आओ तब कोई भी एक चीज या पदार्थ लेके आना है। वो चीज और पदार्थ बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। मुनिश्री और यहां पे बैठे सभी महानुभाव उसको ठीक तरीके से देख पाए ऐसे चीज लेके आए। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, आपको जो भी दिखाई दे वो आप अपनी अवधान बुक में लिखे। अपने आजू बाजू के मित्रों को पूछने की कोशिश ना करें। एक चीज अगर आ जाती है तो उसको दूसरी बार रिपीट ना करें। हम मुनिश्री को उल्टा पुल्टा पूछेंगे और मुनिश्री उसको क्रम में याद रखेंगे, और यही अवधान की सबसे बड़ी कमाल है। दर्शन अवधान शुरू होने जा रहा है। अर्थ ग्रुप के भूपेश भाई, उसके बाद दीपक भाई बारडोली वाला, उनके बाद श्रुत संगम के संदीप भाई, उनके बाद सुरेंद्र भाई दशाणी। 105 107 108 113 111 112 120 103 126 119 118 116 121 114 125 124 110 109 104 129 128 127 130 123। जो नीचे महानुभाव बैठे हैं उनको अपना हाथ ऊपर करना है। 1 से लेके 99 तक कोई भी एक नंबर आपको अज्यूम करना है, आपको अनुमानित करना है, उस पे मुनिश्री गणित करवाएंगे। आपको स्टेज पे आना है, 10 लोगों को स्टेज पे आके मुनिश्री गणित करवाएंगे। फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आप मुनिश्री को बताएंगे, और मुनिश्री आपने जो नंबर अज्यूम किया है, आपने जो नंबर अनुमानित किया है, वो मुनिश्री अपने उत्तर के दौरान बताएंगे। एक से 99 में कोई भी गुणाकार करो। જે જવાબ આવે એમાં 3 ગુણે હવે જે જવાબ આવે તેનો 50 થી ગુણાકાર કરો। જે જવાબ આવે 9150 4550 6750 2350 4850 1350 137 1850 1350 4650 4050
अवधान के आगे के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए पंडित जी भी हमारा साथ देंगे, उस तरफ पंडित जी आ जाएं। अवधान नंबर 141 से लेकर 150 तक पंच प्रतिक्रमण सूत्र एवं नवस्मरण की गाथा का सिर्फ आपको प्रथम चरण बताना है। मुनिश्री उत्तर के दौरान समय होगा तो पूरी गाथा हमें सुनाएंगे। परिसिद्धानम करणे संतिकरम संति जीणम आकरणी तोपि महितोपि निरीक्षतोपि नमो जिनाणम जिय भयाणम 7 लाख पृथ्वी काय 7 लाख अप काय वसगहरम पासम पासम वंदामी वंदितु सौवसिद्धे लोगस उज्जो अग्रे नमो अरिहंताणम कल्याण कंदम। 151 से लेके 160 के अवधान में शुरू करूं, उसके पहले जो आगे अवधान आने वाले हैं, आप जो अवधान देखने के लिए आए हो अभी सावधान हो जाओ। 176 से लेके 200 तक चित्र दर्शन अवधान होने वाला है। यहां वॉलंटियर्स महानुभावों को लीडर्स के जो दुनिया के महान हस्ती बने हैं उनके फोटोग्राफ्स आपको दिखाएंगे, उसमें से कोई भी फोटोग्राफ्स आप सिलेक्ट करेंगे, वो फोटोग्राफ सिलेक्ट करके आपको एक सीट साथ में दी जाएगी, आपकी मनपसंद जगह पर आपको वो फोटोग्राफ चिपकाने हैं। ऐसे 25 फोटोग्राफ्स मुनिश्री के पास आएंगे, मुनिश्री कुछ समय के लिए उसको देखेंगे, उसके बाद स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा। मैं यहां से कुछ नहीं बोलूंगा, आपको स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे वो आपको अपनी अवधान बुक में लिखना है। हम अवधान के आगे के क्रम में आगे बढ़ते हुए अवधान नंबर 151 से लेके 160 तक भारतीय परंपरा के गुजराती महीने एवं इंग्लिश कैलेंडर के मंथ्स के सिर्फ आपको नाम बताने हैं। चैत्र मकर महीनो अप्रैल पौष नवंबर अगस्त आशो महीनो मार्च आषाढ़ दिसंबर। अवधान के आगे के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए 161 से लेके 170 तक आपको दानवीर एवं साहित्यकार के सिर्फ नाम बताने हैं। बकुल त्रिपाठी चेतन भगत कवि कालिदास जॉन ग्रीन कुमारपाल जगड़ू साह कर्ण शेक्सपियर वस्तुपाल तेजपाल भीमो कुंडलियो। अवधान नंबर 171 से लेके 175 तक आपको इंटरनेशनल करेंसी अंतरराष्ट्रीय करेंसी के सिर्फ नाम बताने हैं। दिनार रिंगर यूरो ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर। दिल थाम के बैठिए। अवधान नंबर 176 से लेके 200 तक जो महानुभावों ने 25 पिक्चर्स सिलेक्ट किए गए हैं वो फोटोग्राफ ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, एक सीट में प्रिपेयर होके आ गए हैं। मुनिश्री वो पिक्चर को कुछ समय के लिए देखेंगे। आपको स्क्रीन पे 25 पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं, आप अपनी अवधान बुक में वन बाय वन जो भी दिखाई दे वो आप लिखिए। आजू बाजू किसी भी मित्र को पूछने की कोशिश ना करें, बहुत क्लियर आपको वन बाय वन दिखेगा। धीरे 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 यस। पहली बार अगर आप ठीक तरीके से लिख नहीं पाए तो दूसरी बार भी रिपीट होगा, तब भी आप लिख देख के लिख सकते हो। यस सर। सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 200 अवधान का कार्य पूर्ण हुआ।
आप देखते रहिए और अपनी बुक में लिख लीजिए। उसी के बीच में पूरे विश्व में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर्स में जिनका नाम है, ऐसे डॉक्टर सुधीर शाह साहब जो अहमदाबाद से पधारे हैं, उनको हम दो मिनट के लिए न्यूरोसाइंस इस बारे में क्या कहता है, मगज की ऐसी कौन सी ताकत है कि जिससे ये गुरु भगवंत 500 अवधान कर सकते हैं। डॉक्टर सुधीर शाह जी, ज्ञान की बात चली तो मैं जरूर कहूंगा कि ब्रेन में 100 बिलियन 10^11 न्यूरॉन्स है, कोश है, उनकी जो कनेक्शन है वो 10^14 ट्रिलियन तक है। अब उससे हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बनती है। आपको हैरानी होगी जान के कि 1000 पेज की एक ऐसी 90 मिलियन बुक्स हम अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। कि गुरुदेव आज से 10 साल 12 साल पहले एक चंचल बालक थे, 5 कक्षा पढ़े हैं और आज इस तरह पहुंच गए, वो कौन सी ऐसी विद्या होगी, कौन सी ऐसी साधना होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन से शक्ति का संचय होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और विचारों को प्रक्रिया को वेग मिलता है। और जो मंत्र जाप की बात है उसमें भी कोई धर्म जाति का बात नहीं है, और वो मंत्र जाप से भी वो मैग्नेटिक इफेक्ट आती है। आज शब्द में भी कितना मैग्नेट है आपको कैसे बताया जाए। हम अगर आयन और मैग्नेट इसमें अंदर देखें तो दोनों Fe59 है, लेकिन मैग्नेट में जो आयन की एटम्स की चेंज होती है उसकी वजह से उसमें मैग्नेटिज्म आ जाती है। वैसे ही मंत्र मूल तो शब्द है, उसके अंदर जो अणु की जो शब्दों की परंपरा सजाई जाती है उसमें उससे पावर आता है और फिर उसको चैंटिंग किया जाता है। तो मैं ऐसा आपको सबको प्रार्थना करूंगा कि ये इतनी बड़ी गंगा हमारे घर पे आई है तो हम सब लोग क्यों ना उसका लाभ लें। मुनि को, मुनिराज को और गुरुराज को मेरा शत शत वंदन करते हुए मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे रिसर्च प्रोग्राम में आप भी भाग लें और जो बताया जाए वैसे शक्तियों से आप अपनी कॉन्शियसनेस को उजागर करें और गुरुदेव से हम अपनी प्रेरणा लें। जय जिनेंद्र। 201 से लेके 210 मुनिश्री को जर्मन नंबर का भी काफी सारा नॉलेज है। आपको अपने नंबर 1 से लेके 99 तक कोई भी नंबर गुजराती में या इंग्लिश में बता सकते हैं। मुनिश्री उत्तर के दौरान उस नंबर का जर्मनी में क्या ट्रांसलेशन होता है, जर्मनी में उसको क्या कहा जाता है वो बताएंगे। 99 अवधान नंबर 211 से लेके 220 तक हमें पेड़ों के नाम बताने हैं। पेड़ों के नाम गुजराती एवं हिंदी में बता सकते हैं। अंबा, आसो पालो, लिमड़ो, पिपरानुजार, बावल, कल्पवृक्ष, गुलमोहर, तुलसी, वर, नारियली। 221 से लेके 230 तक आपको फल के नाम बताने हैं। मौसम्बी, सफरचंद, सीताफल, अंगूर, कीवी, चीकू, पपैया, वाटरमेलन, डाड़म, संतरा। अवधान के आगे के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए 231 से लेके 240 तक धार्मिक एवं राष्ट्रीय त्यौहार एवं राष्ट्रीय छुट्टी के आपको नाम बताने हैं। पर्वाधिराज पर्यूषण, रंग पंचमी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, वसंत पंचमी, दशहरा, होली, नवरात्रि, नाताल। 241 दुनिया की कोई भी भाषा का सेंटेंस, दुनिया की कोई भी भाषा
अभी जैसे हम गुजराती, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत बोल रहे, उसके अलावा भी दुनिया में कई भाषाएं बोली जाती है, उसमें से कोई भी भाषा का एक सेंटेंस, मन खैली प्रसन्न बुदम। हम अवधान के आगे के पड़ाव में आगे बढ़ते हुए अवधान नंबर 242 से लेके 250 तक आपको सुप्रसिद्ध काव्य पंक्ति, कोई प्रसिद्ध भजन, जैन स्तवन एवं देशभक्ति के पंक्ति, प्रथम पंक्ति आपको बतानी है। तारी मूर्ति ए मन मयूरे एकज दे चिनगारी महानल गुजारे जे शिरे तारे वैष्णव जन तो तेने कहिए उदे छे सुरती भरी रवि मृदु सारे जहां से अच्छा सीधा चलना वासी एक दिन प्रभु जी दमवा काजे जनगण मन। सबसे पहले 251 से लेकर 265 तक ये 15 एक साथ कलेक्टिव अवधान होने वाले हैं। 251 से लेकर 254 तक मैथमेटिक्स के चार अवधान होंगे, उनसे मुनिश्री मैथमेटिक्स करवाएंगे। मैथमेटिक्स के बाद जो आंसर बचेगा उसमें से कोई भी एक नंबर आप मुनिश्री को बताएंगे। जैसे मान लो कि मेरा आंसर आया 329, मुझे मुनिश्री को तीन बताना है तो मैं तीन बताऊंगा, तो मुनिश्री अपने उत्तर के दौरान पूरा आंसर बताएंगे कि आपका आंसर आया था 329। ऐसे चार गणित के एक्सपर्ट आगे आ जाएं। उसके बाद 255, जिसमें 369 से बड़ी थ्री डिजिट की एक नंबर आपको बताना है जिसको आप 9 से डिवाइड कर सको। ऐसे नंबर को 81 ब्लैंक बॉक्स में मुनिश्री वो नंबर को ऐसे पुट अप करेंगे कि उसका आंसर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कहीं से भी आप टोटल करो तो आपकी दी गई नंबर के अनुसार होगा। 255 के लिए कोई अपना नंबर देना चाहेगा? 567। अवधान नंबर 256 यहां पे घंटेनाद होगा, उसके बाद 257, 258, 259, ये तीन अवधान के दौरान मुनिश्री के बॉडी पे कोड़ी का स्पर्श करवाया जाएगा, कोड़ी को ड्रॉप किया जाएगा। किस घंटेनाद पे? मुनिश्री की बॉडी पे ये कोड़ी का स्पर्श हुआ ये भी मुनिश्री बताएंगे। उसके बाद 260 पे यहां पे एक पात्र रखा गया है और वो पात्र में एक महानुभाव मार्बल को ड्रॉप करेंगे, लखोटी को ड्रॉप करेंगे उसी अवधान के दौरान, और उन्होंने कितने मार्बल्स ड्रॉप किए वो भी मुनिश्री साथ में कैलकुलेट करते जाएंगे। घंटेनाद होगा, मुड़ी पे कोड़ी का स्पर्श भी होगा, एक महानुभाव मार्बल को भी ड्रॉप करेंगे। उनके बाद 261 से लेके 265 ये दर्शन अवधान है, पांच महानुभाव आके उनकी मनपसंद चीज, ये जो टेबल पड़ा है आके एक 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 चीज रख के जाएंगे, उनको कपड़े से ढक दिया जाएगा। जब घंटेनाद हो रहा होगा मुनिश्री को डिस्टर्ब करेंगे हम, यहां पे म्यूजिक बजेगा और उस दौरान एक सेकंड के लिए ये कपड़ा खुलेगा और मुनिश्री ने ये पांच चीज कौन सी रखी है वो भी मुनिश्री देख लेंगे। आपके लिए यहां पे कपड़ा रख के आपको पूरी चीज दिखाई जाएगी, आपको जितना टाइम लेना है उतना लीजिए। मुनिश्री को सिर्फ हम एक सेकंड दो सेकंड देंगे, कपड़े से ढक दो, अभी उसको बंद कर दो। अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है, एक साथ में 15 अवधान संयुक्त अवधान। कोई पण एक रकम मन में धारो, लखो ने ने कागळ ऊपर लखी लो, जे रकम मन में धारे छे एनो 7 થી ગુણાકાર કરો, જે જવાબ આવે
તેમાં 251 વાળા 11 ઉમેરો, 252 વાળા 18 ઉમેરો, 253 25 ઉમેરો અને 254 35 ઉમેરો. હવે જે જવાબ આવે એનો 10 થી ગુણાકાર કરો. દરેકને અલગ અલગ ઉમેરવાના છે. જે જવાબ આવે એનો 4 થી ભાગાકાર કરો. શેષ વધારજો. બસ હવે જે શેષ વધી છે એની ઉપર 251 વાળા 15 થી ગુણાકાર કરો, 252 20 થી ગુણાકાર કરો, 253 25 થી ગુણાકાર કરો અને 254 30 થી ગુણાકાર કરો. જે જવાબ આવ્યો તેમાં 251 વાળા 5 ઉમેરો, 252 વાળા 15 ઉમેરો, 253 વાળા 25 ઉમેરો, 254 વાળા 35 ઉમેરો. જે જવાબ આવે એનો ગમે તે મનપસંદ એક એક અંક જણાવો. 52 વાળા બોલે 2 5 3 567 યસ વોલેન્ટિયર્સ, પબ્લિક કો દિખાઓ, મહાનુભાવ કો દિખાઓ. યહાં એક સાથ 15 અવધાન પૂર્ણ હો ગયે. આપ જો વસ્તુ દર્શન આપ દેખ સકતે હો વો આપ નોટ ડાઉન કર સકતે હો. આપકો જો દિખાઈ દે, જો આપકી સમજ મેં આયે વો આપ સ્ક્રીન પે દેખ સકતે હો, ઉસકો લિખ દે. આજુબાજુ વાલે કો બતાને કી કોશિશ ન કરે. વોલેન્ટિયર્સ ધ્યાન દે, હમ અવધાન નંબર 266 કી શરૂઆત કરે ઉસકે પહેલે 276 से लेके 300 तक वंडर्स, इंडिया की महान इमारतें, इंडिया के वंडर्स के फोटोग्राफ्स वॉलंटियर्स आपको दिखाएंगे. एक साथ 25 चित्र दर्शन अवधान होने वाला है. आगे के फोटोग्राफ्स आपको दिखाए गए, आपने लिख भी दिए होंगे लेकिन हम तो भूल गए होंगे. अभी वापस 25 पिक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं. वो आपकी मनपसंद जगह पर आपको चिपकाना है. वो 25 फोटोग्राफ्स वापस मुनिश्री के पास आएंगे, मुनिश्री उसको कुछ समय के लिए देखेंगे, फिर आपको वापस स्क्रीन पे दिखाया जाएगा. वॉलेंटियर्स अपना काम कर रहे हैं, उसके बीच में हम आगे बढ़ते हुए अवधान नंबर 266 से लेके 270. दुनिया की कोई भी भाषा का आपको एक वर्ड बताना है. सायोनारा, बोजूर, तंबे तंबे, लॉर्ड डायमा, हकुना हकुना मटाका. अवधान नंबर 271 से लेके 275 चैन श्रमण श्रमणी भगवंत यहां विराजमान है. उनको लग रहा है कि हमारा चांस कब लगेगा, अब उनके लिए 271 से लेके 275 आगम ग्रंथ के आपको सिर्फ नाम बताने हैं. ये अवधान हम स्पेशली साधु साधु जी भगवान के लिए रखते हैं. महानिशित सूत्र, पन्नवाणा जी, उत्तराध्ययन सूत्र, सुयडांग सूत्र, विवाह पन्नति सूत्र. अवधान नंबर 276 से लेके 300 महानुभावों ने 25 फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लिए हैं. मुनिश्री कुछ समय के लिए देखेंगे. आर्य संस्कृति एटले साधनानी संस्कृति. आर्य संस्कृति ना कोई पण धर्म, कोई पण दर्शन
કોઈને કોઈ સાધનાનો માર્ગ બતાવેલો છે અને એ જ પરંપરામાં તીર્થંકર પરમાત્મા ગૃહ ત્યાગ કરીને સાધનાના માર્ગે આગળ વધીને કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરીને શાસનની સ્થાપના કરી. પરમાત્મા મહાવીર પ્રભુએ 12.5 વર્ષની ઘોર તપશ્ચર્યા અને ત્યાર પછી મળેલા કેવલ જ્ઞાનના પછી કરેલી શાસનની સ્થાપના એમની બરોબર 72મી પાટે પૂજ્યપાદ આગમોદ્ધારક સાગરજી મહારાજ થયા, જેઓએ એક નવી ક્રાંતિ કરીને આગમોને પુસ્તકારૂઢ હતા એને છપાવ્યા, મુદ્રિત કરાવ્યા અને આગમ મંદિર આગમની વાચના કરીને એક આગમની ક્રાંતિકારી પગલું ભર્યું. એ જ પરંપરામાં પૂજ્યપાદ પન્યાસ પ્રવર ગુરુદેવ શ્રી અભયસાગરજી મહારાજ, જેઓની આજે 28મી પુણ્યતિથિ છે, જેઓ એક સાધક હતા, ગિરનાર હિમાલય ના સાધકો પણ જેઓને ગુરુ તરીકે માનતા હતા એવા ઉચ્ચ કોટીના પોતે સાધક હતા. સર્વ ધર્મના ગ્રંથ શાસ્ત્રો કંઠસ્થ કરીને સર્વ ધર્મના ઊંડાણની અંદર જઈને પોતે વાચક બનેલા હતા. કોઈ પણ દર્શનની કોઈ પણ ઊંડાણભરી વાત હોય તો તે અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિથી એવી સુંદર રજૂ કરતા હતા. સાધક, વાચક અને સંશોધક, ખગોળ અને ભૂગોળના ક્ષેત્રની અંદર સંશોધનના ક્ષેત્રમાં આગળ વધીને છેક નાસા સંસ્થા સુધી પોતે પહોંચેલા હતા અને નાસા સંસ્થાએ એમને ઇન્ડિયન સાયન્ટિસ્ટ તરીકેનું બિરુદ આપેલું હતું, સભ્ય બનાવ્યા હતા. આવા પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ શ્રી અભયસાગરજી મહારાજની પરંપરા, સાગરજી મહારાજની પરંપરા અને એ પરંપરાની અંદર આવેલા આ સાધુ ભગવંતો પોતાની આત્મ સાધના, જ્ઞાન સાધના અને ધ્યાન સાધનાની અંદર આગળ વધી રહ્યા છે. વાત આપણી છે કે સરસ્વતીની સાધનાના માધ્યમથી આ સતાવધાનની અંદર પોતે આ ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધ્યા. જોકે આનુષંગિક તો ઘણા બધા કારણો છે. અમદાવાદમાં જ્યારે આજથી લગભગ 7 વર્ષ પહેલા સતાવધાન થયું, ગુજરાત રાજ્યપાલ નવલ કિશોરજી શર્માની ઉપસ્થિતિમાં જ્યારે પહેલું સતાવધાન થયું ત્યારે અનેક જૈન અજૈન વ્યક્તિઓના પ્રશ્નો અમારી સામે આવ્યા કે અમારા બાળકને જ્ઞાન વિકાસમાં કઈ રીતે આગળ વધારવા. યાદ રહેતું નથી, ભણેલું ભૂલી જવાય છે, માર્ક ખેંચી શકાતા નથી, ભણતા ભણતા થાકી જાય છે, ભણવાની રુચિ થતી નથી. આવી અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ લઈને જ્યારે અમારી સામે ઉપસ્થિત થયા ત્યારે ઘણું બધું વિચાર અને ઘણું મંથન કર્યા પછી સાધુ ભગવંતોને જે આરાધના અને સાધના કરી છે એવી ઉચ્ચ કોટીની ભૂમિકાએ ન પહોંચી શકે તો પણ કંઈક અંશે પોતાના જીવનની અંદર લાભ થાય અને કંઈક જીવનની શુદ્ધિ થાય ને નૈતિક જીવનમાં આગળ વધે એ માટે સરસ્વતીની સાધનાનો એક પ્રયોગ નક્કી કરીને જાહેરની અંદર મૂકવામાં આવ્યો. જામનગરમાં સર્વપ્રથમવાર 3000 વિદ્યાર્થીઓને સરસ્વતીની સાધના કરાવી, પરિણામો બહુ સુંદર આવ્યા. જે જે વ્યક્તિઓએ 100 દિવસની સાધના કરી અને પરિણામો સુંદર આવ્યા એ સાધના આગળ વધતા 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 લગભગ 14000 વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ સાધના પહોંચી છે. સરસ્વતીની સાધના વિદ્યાર્થી કરે, યુવા છે, બહારના વાતાવરણથી રંગાયેલો છે તો સાધના શું કરે. એટલા માટે બહુ જ હળવી સાધના કરીને એમની સામે મૂકવામાં આવી.
માત્ર એક જ દિવસે અમારી પાસે આવવાનું, સાધનાની ટ્રેનિંગ લેવાની, અને એ સાધનાની ટ્રેનિંગ લીધા પછી 100 દિવસ સુધી પોતે એમના ઘરે રહીને સ્વયં 1.5 કલાક સરસ્વતીની સાધના કરવાની. આ 100 દિવસનો કાર્યક્રમ છે. આ સાધનાના માધ્યમથી IAS ઓફિસર સુધી પહોંચ્યા છે, બોર્ડમાં નંબર લાવ્યા છે, ટોપ 10ની અંદર વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા છે. આવા વિશિષ્ટ કોટીના પરિણામો આ સાધનાના માધ્યમથી આવ્યા છે. પરંતુ શરત માત્ર એટલી છે કે 100 દિવસ સુધી ઘરે બેસીને પોતાના ઘરમાં આ સાધના રેગ્યુલર પ્રતિદિન કરવાની હોય છે. પોતાના વિવિધ પ્રકારના પરિણામો મેળવવાને માટે સરસ્વતી સાધના રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનના માધ્યમે અહિંકાર ધ્યાન કાર્ડની પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. અહિંકારના ધ્યાન કાર્ડ મતલબ કે સરસ્વતીનું ધ્યાનના માધ્યમથી પોતાના વિચારોને, પોતાની પ્રકૃતિઓને બદલવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ પણ કરવા માટેના રિસર્ચો થઈ ચૂક્યા છે. આવા પ્રકારના કાર્ડ બાળક જુદી જુદી પ્રકૃતિ વાળા જુદા જુદા કાર્ડ 9 કાર્ડનો સેટ છે. કોઈ બાળક ચંચલ હોય છે, કોઈ બાળકને ભણવાની રુચિ નથી, ભણવાની રુચિ હોય પરંતુ મંદ પ્રકૃતિનો છે, કોઈ બાળકને કોન્સન્ટ્રેશન રહેતું નથી, કોઈ બાળક ભણવાની રુચિ છે, ભણે છે પરંતુ નિરોગી રહી શકતો નથી, એના કારણે ભણવામાં તકલીફ પડે છે, જુદી જુદી પ્રકૃતિવાળા બાળકોને પોતાની પ્રકૃતિની શુદ્ધિ અને પોતાના માઇન્ડની શુદ્ધિ આ બે માટે આ ધ્યાન કાર્ડ પણ સરસ્વતી સાધના રિસર્ચ ફાઉન્ડેશનના માધ્યમથી તમારી સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા છે. ધ્વનિ વિજ્ઞાન એ પણ આપણા પોતાના માઇન્ડને ડેવલપ કરી શકે છે. એ માટે સરસ્વતી માતાના જુદી જુદી પ્રકારના મંત્રો, જુદા જુદા પ્રકારના ધ્વનિથી એને પ્રસ્તુત કરીને પણ બાળકના જ્ઞાન વિકાસની અંદર આગળ વધારવા માટેના પ્રયત્નો અમારા દ્વારા, મતલબ કે અમારી પ્રેરણાથી કાર્યકર્તાઓ આગળ વધારી રહ્યા છે. સરસ્વતીની સાધનાથી માઇન્ડ ડેવલપમેન્ટ થાય છે એ વાત નક્કી છે, પરંતુ એની સાથે સાથે જીવન પરિવર્તન પણ થાય છે. સાધુ તરીકે, સંત તરીકે અમારું કર્તવ્ય માત્ર જૈનોનો વિકાસ કરવો કે જૈનોની ચિંતા કરવી એ જૈન સાધુનું કર્તવ્ય નથી. જૈન ધર્મ એ વિશ્વ ધર્મ છે. જૈન ધર્મ એ સમગ્ર માનવ જાતિનો ધર્મ છે. જૈન ધર્મ એ નાનામાં નાના જીવની પણ ચિંતા કરનારો ધર્મ છે. અને આ અપેક્ષાએ સર્વ જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓને આ સાધનાના માધ્યમથી એમના જીવનના વિકાસમાં, એમના નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતાના વિકાસની અંદર, સંસ્કારોના વિકાસની અંદર કઈ રીતે યોગદાન આપવું એની વિચારણા આ SSRFના માધ્યમથી થઈ રહી છે. આ શતાવધાન કરવાથી જગતને શું લાભ, દુનિયાને શું લાભ, સમાજને, રાષ્ટ્રને શું લાભ, અને એના અનુસંધાનમાં અમે કહ્યું કે લાભ એ જ છે કે વ્યક્તિ જ્યારે પોતાની જાતને કંટ્રોલમાં રાખે છે તો વ્યક્તિ ક્યાં સુધી પહોંચી શકે છે એ અમારે આજના યુવા ધનને બતાવવું છે. આજે યુવકો બેફામ પોતાની વૃત્તિઓને કંટ્રોલ બહાર મૂકીને
પોતાની શક્તિનો જે દુર્વય કરી રહ્યા છે એના કારણે સમાજ અને રાષ્ટ્રને જો નુકસાન થઈ રહ્યું છે એ નુકસાનને અટકાવીને સમાજ અને રાષ્ટ્રના વિકાસને માટે આ 57 પ્રયોગ છે, આ 500 અવધાનનો પ્રયોગ છે કે 57 કરવું લોકો વાહવા કરે એ અમારા માટે તુચ્છ છે, અમારા માટે બહુ મહત્વનું નથી, આંતરિક શુદ્ધિ થતી જાય, ધ્યાન સાધના અને આગમના માર્ગની અંદર આગળ વ્યક્તિ વધતો જાય અને સાધના દ્વારા આત્મશુદ્ધિનો માર્ગ એ અમારો મૂળ આધાર છે, એ અમારો મૂળ વિકાસ છે. આ તો આગમનો અભ્યાસ કરતા કરતા ઉત્પન્ન થયેલી એક સાઇડ પ્રોડક્ટ છે. આપકો 301 સે લેકે 325 તક સંસ્કૃત ભાષા કે શબ્દ બતાને હૈ. વરેણ્યમ, તમસ, કુટુંબકમ, આગચ્છ, ભક્તામર, પ્રચોદયાત, મુક્કમ, કુલ્મ, શુભ્રમ, ગચ્છામિ, લભાવહે, તુર્વ રેણ્યમ, કરુણાવતારમ, તમેવ, સુહમ, કલ્યાણ મંદિર, યસ્યાહ, કાંદિસિક, વિરેન્દ્રમ, કિમ કર્પૂરમયમ, અલ્પશ્રુતમ, પ્રભાણા, અનુરુદ્ધ્યતે, શરણમ, દુક્કડમ. અવધાન નંબર 326 સે લેકે 350 તક આપકો સિર્ફ ગુજરાતી શબ્દ બતાને હૈ. તીર્થંકર, આચાર્ય, કલ્યાણકારક, અનુવાદન, સ્વભાવ, ધર્મલાભ, આહલાદક, અક્ષયચંદ્ર, કરુણાસાગર, આત્મસિદ્ધિ, જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર, સુવિધિ, ઓમ શાંતિ, સાદર પ્રણામ, મહાવીર, ગચ્છાધિપતિ, શ્રદ્ધા, દેરાસર, સાસન, જય સચ્ચિદાનંદ, અનુમોદના, સ્પર્શ, અજિત ચંદ્ર સાગર, શ્રી વાસુદેવ. 351 સે લેકે 375 કે અવધાન શરૂ કરને સે પહેલે 376 સે 400 એક સાથ 25 ગણિત કે એક્સપર્ટ સે મુનિશ્રી મેથેમેટિક્સ કરવાયેંગે. આપ કોઈ ભી નંબર કા અનુમાન કર સકતે હૈ. અવધાન નંબર 351 સે લેકે 375 ભારત કે કિસી ભી રાજ્ય કા નામ, કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ યા વિશ્વ કે કોઈ ભી રાષ્ટ્ર કા નામ બતાના હૈ. બિહાર, ફ્રાન્સ, હરિયાણા, કર્ણાટક, મોરક્કો, ન્યુયોર્ક, ગુજરાત, ઇંગ્લેન્ડ, અરુણાચલ પ્રદેશ, ઝેકોસ્લોવાકિયા ગયા, રાજસ્થાન, આંધ્રપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, હિમાચલ પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, કઝાકિસ્તાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, ઇન્ડિયા, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, જાપાન, આસામ, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, હોનોલુલુ. અભી જો અવદાન હોને જા રહે, દિલ ધડક અવદાન હોને વાલે, એક સાથ મુનિશ્રી 25 મેથેમેટિક્સ કે એક્સપર્ટ કો ગણિત કરવા રહે, વો ઓરલી કરને વાલે હૈ, ઓર યે આજ કે જમાને કે એક્સપર્ટ્સ જો કેલ્ક્યુલેટર કરકે કરને વાલે હૈ. કોઈ પણ એક રકમ મનમાં ધારો, એને કાગળ ઉપર લખો, એની નીચે એની પછીની રકમ લખો,
પચીસ ધારી હોય તો 26, એના પછીનો આંકડો લખવાનો. બંનેનો સરવાળો કરો. હવે તમને જે રીતે સૂચના આપવામાં આવે તે રીતે અલગ અલગ વ્યક્તિઓને અલગ અલગ ગણિત કરવાનું ધ્યાન રાખજો. કોને સૂચના અપાય છે હું એનાઉન્સ કરતો જાઉં છું. એ બોલે 89 ઉમેરો. 376 89 એડ કરો. 119 ઉમેરો. 377 119 179 ઉમેરો. 378 179 151 ઉમેરો. 379 151 169 ઉમેરો. 380 169 83 ઉમેરો. 381 83 13 ઉમેરો. 382 13 111 ઉમેરો. 383 111 35 ઉમેરો. 384 35 41 ઉમેરો. 385 45 9 ઉમેરો. 386 9 42 ઉમેરો. 387 42 25 ઉમેરો. 388 25 73 ઉમેરો. 389 73 113 ઉમેરો. 390 173 83 ઉમેરો. 391 83 129 ઉમેરો. 392 129 119 ઉમેરો. 393 119 157 ઉમેરો. 394 157 197 ઉમેરો. 395 197 35 ઉમેરો. 396 35 57 ઉમેરો. 397 57 67 ઉમેરો. 398 67 113 ઉમેરો. 399 113 13 413 13 હવે જે જવાબ આવ્યો છે એનો 2 થી ભાગાકાર કરો. જે જવાબ આવે તેમાંથી તમારી ધારેલી રકમ બાદ કરો. જે જવાબ આવે તે ક્રમશઃ વારાફરતી 76મા નંબરથી જણાવવાની શરૂઆત કરો. ગમે તે એક અંક તમારો જે પણ જવાબ આવ્યો એના કોઈ પણ એક અંક ઉપર તમે રાઉન્ડ બનાવી દો. એક અંક ઉપર રાઉન્ડ, એક આવ્યો હોય તો પણ એકના ઉપર એક અંક ઉપર રાઉન્ડ કરો. એક એક ડિજિટ ઉપર રાઉન્ડ બનાવી દો. રાઉન્ડ કરેલો શબ્દ તમે બોલવા માંડો. 376 4 377 6 6 378 0 379 7 7 380 5 5 5 5 381 4 4 4 382 7 7 7 383 6 છ 6 384 8 8 8 385 3 3 3 3 3 386 5 5 5 387 2 2 2 388 3 3 3 389 7 7 7 390 5 5 5 391 4 4 4 392 6 6 6 393 6 6 6 394 9 9 9 9 395 9 9 9 396 1
એક વન થ્રી નાઇન્ટી સેવન ટુ ટુ બે થ્રી નાઇન્ટી એટ ફોર સેવન થ્રી નાઇન્ટી નાઇન સાત સેવન સાત ફોર હંડ્રેડ સાત સેવન મેં અભી આમંત્રિત કરના ચાહતા હું માનનીય વલ્લભભાઈ ભણસાલીજી કો વો યહાં પધારેંગે ઓર સરસ્વતી સાધના કે દ્વારા સમાજ કા ઉત્થાન ઇસ વિષય મેં સભા કો માર્ગદર્શિત કરેંગે મંચ પર બિરાજમાન સભી આચાર્ય ભગવંત સાધુ ભગવંત કો મેં વંદન કરતા હું ગુરુ મહારાજ ને આચાર્ય મહારાજ ને હમસે એક બાત કહી જો હમારે સ્વભાવ સે બિલકુલ અલગ હૈ હમ સબ જીવન જીતે વાહવાહી કે લિયે આચાર્ય સાહેબ ને કહા કે યે વાહવાહી તો હમારે લિયે બહોત તુચ્છ ચીજ હૈ હમારે લિયે મુખ્ય ચીજ તો યે હૈ કે હમ કિસ તરહ આત્મિક શાંતિ કો પ્રાપ્ત કરેં ઓર કિસ તરહ સમાજ સુખી હો તો એ સરસ્વતી સાધના સે સમાજ કૈસે સુખી હોગા યે બાત સમજના બહોત આવશ્યક હૈ હમારે લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી ને એક આંદોલન શરૂ કિયા હૈ સ્વચ્છ ભારત કા બહોત અચ્છી બાત હૈ હમારે ચારો ઓર અગર સ્વચ્છતા હો જાય લેકિન મુખ્ય બાત તો હૈ હમારે અંદર સ્વચ્છતા કૈસે હો જાય ઓર સમાજ તભી સુખી હો સકતા હૈ જબ હમારે અંદર યે સ્વચ્છતા સમાયે તો જબ તક હર વ્યક્તિ મેં સુખ શાંતિ ના હો તબ તક બહાર શાંતિ કૈસે હોગી યા શક્તિ કૈસે હોગી વિકાસ કૈસે હોગા તો મેં દેખતા હું કે જિસ તરહ હમારે જીવન મેં હમ તીન કદમ ચલતે હૈ કે જો અનિવાર્ય ઉસકો હાઇજીન કહેતે હૈં ઉસસે આગે બઢતે હૈં તો વિવેક કહેતે હૈં ઉસસે આગે બઢતે હૈં તો સ્ટ્રેન્થ કહેતે હૈં તો હમારે ઇસ વિકાસ કા જો પાયા હૈ વો હૈ સ્મૃતિ તો આપકે મોબાઈલ ફોન કે અંદર તો મેમરી ખતમ હોતે હી આપકો તકલીફ હોતી હૈ કમ્પ્યુટર મેં મેમરી ખતમ હોતી હૈ આપ તકલીફ હોતી હૈ લેકિન ઉસકા ઇલાજ હૈ કે આપ જાકે ખરીદ કે બઢા સકતે હૈં મહારાજ સાહેબ કી બડી કરુણા હૈ કે વો હમારે સામને એક એસી વિદ્યા લાયે હૈ કે હમારે વિકાસ કી જો પહેલી સીડી હૈ પહેલા સોપાન વો હૈ સ્મૃતિ તો એ સ્મૃતિ કા કૈસે વિકાસ હો તો સ્મૃતિ કમ્પ્યુટર સે ભી આતી હૈ કે ગૂગલ કે અંદર તમામ સ્મૃતિ હૈ લેકિન વો સ્મૃતિ જીવન કો સુધાર નહીં સકતી તો મહારાજ સાહેબ કા જો તરીકા હૈ વો તરીકા મંત્રોચ્ચાર કા તરીકા હૈ સ્વાધ્યાય કા તરીકા હૈ તો આપ મે સે કઈ લોગ જાનતે હોંગે કે જબ હમ કેવલ શારીરિક યોગાભ્યાસ કરતે હૈં તો હમારે જીવન મેં સ્વભાવ મેં પરિવર્તન આને લગતા હૈ પૂરે પશ્ચિમ કે અંદર યે પ્રસિદ્ધ હૈ કે યોગાસન કરતે કરતે લોગ વેજીટેરિયન હો જાતે હૈં ઉનકા સ્વભાવ શાંત હો જાતા હૈ કસરત શરીર કી કર રહે હૈં યહાં તો આપકી કસરત હી મન કી હોગી આપકે સૂક્ષ્મ શરીર મેં ઉસ મંત્રોચ્ચાર કા ઇતના બડા પ્રભાવ આયેગા કે આપ સ્વતઃ સે સત્પુરુષ અચ્છે વ્યક્તિ હોતે જાયેંગે અવધાન નંબર 401 સે લેકે 430 ક્રમિક દર્શન અવધાન આગે હમને કિયા થા વો વ્યુત્ક્રમ થા હમ કોઈ ભી નંબર બોલતે થે યે દર્શન અવધાન મેં હમ ક્રમ અનુસાર નંબર બોલેંગે જો ભી મહાનુભાવ યહાં પે આયેંગે ઉનકો કોઈ ચીજ યા પદાર્થ લેકે આના હૈ બિલકુલ શાંતિ અવધાન કા લાસ્ટ પડાવ હૈ બહોત ધ્યાન દીજે ફોર ઝીરો સિક્સ ફોર ઝીરો એટ
431 का अवधान शुरू करूं, उसके पहले 451 से लेके 475 दुनिया के वंडर्स, दुनिया के शिल्प स्थापत्य, उनके फोटोग्राफ्स वॉलंटियर्स आपको दिखाएंगे। उसमें से फोटोग्राफ्स आप सिलेक्ट कीजिए, जो सीट आपको दी जाए वो सीट की मनपसंद जगह पे आप उसको चिपका सकते हैं। 50 चित्र दर्शन अवधान हो चुके हैं। अवधान नंबर 431 से लेके 440 पवित्र तीर्थ यात्रा स्थल के आपको सिर्फ नाम बताने हैं। शत्रुंजय तीर्थ, संकेश्वर तीर्थ, भोंतर जिनालय, रैवत गिरी, समय शिखर, राता महावीर, वड़ताल, पालिताना, श्रवण बेलगोला, राणकपुर। अवधान नंबर 441 से लेके 450 तक हमें हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें सुप्रसिद्ध योगासन के आपको नाम बताने। पद्मासन, कपाल भाति, मंडुकासन, गौमुखासन, सूर्य नमस्कार, वज्रासन, मयूरासन, अनुलोम विलोम, धनुरासन, पर्यंकासन। मानुभाव ने 25 फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लिए हैं। वर्ल्ड की वंडर्स सीट में उन्होंने लगा के मुनिश्री को दिखाए जा रही है। 476 से लेके 480 तक की सूचना में यहां से आपको देना चाहता हूं। 5 मैथमेटिक्स एक साथ होने वाले हैं। 50 से 100 के बीच में कोई भी एक नंबर आपको अनुमानित करना है, आपको अज्यूम करना है। मुनिश्री उस पर गणित करवाएंगे। आपको जो भी आंसर आता है उसमें से कोई भी एक नंबर मुनिश्री को बताना है और मुनिश्री आपको पूरा आंसर देंगे। से लेके 475 चित्र दर्शन अवधान स्क्रीन पे आ रहा है। वॉलंटियर्स ध्यान दें, इसके बाद 476 शुरू है, उसके पहले 481 से लेके 489 मैथमेटिक्स के 9 अवधान एक साथ होंगे। 10 नंबर से शुरू होते हुए 20 तक 81 नंबर 9x9 के बॉक्स में फिलअप किए गए हैं। उसमें से कोई भी एक पेज सिलेक्ट किया जाएगा, कोई भी एक महानुभाव से वो पेज सिलेक्ट करवा लीजिए। उसके बाद 9 महानुभाव से 9 नंबर का सिलेक्शन होगा। जो नंबर सिलेक्ट हो जाएगा उस नंबर की हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन कैंसिल होती जाएगी और फिर वो 9 नंबर जो सिलेक्ट किए गए हैं वो पेज आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। वॉलंटियर्स आप अपना काम चालू करें। 50 थी मोटी, 100 थी नानी, कोई पण एक रकम मन में धारी ने कागल ऊपर लखो। जे रकम धारी छे मा 76 उमेरो, 476 वाला 76 उमेरो। एक एक ने अलग अलग खाए छे। 476 ऐड करें। 27 उमेरो। 477 27। 35 उमेरो। 478 35। 53 उमेरो। 479 53। 81 सरवाळो करी दो। હવે જે જવાબ આવ્યો એમાં તમારી ડાબી બાજુનો જે અંક છે પહેલો એ અંક ચેકી દો, બાકીના જે અંકો બચ્યા છે એમાં તમારો ચેકેલો અંક ઉમેરી દો। હવે જે જવાબ આવ્યો એને તમારી ધારેલી રકમમાંથી બાદ કરો। હવે જે જવાબ આવે એમાંથી ક્રમશઃ એક 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 અંક જણાવો। આપ કોઈ ભી એક અંક પર આપકા રાઉન્ડ કરી દીજે જો આપકો મુનિશ્રી કો બતાના હૈ આપકા મનપસંદ નંબર। બે, ટુ, 476 2, 477 છ, 6, 4, 478 ચાર, 4, 6, 479 છ, 6, 8, 480 આઠ, 8, 481 સે 489 જો 9 નંબર કા સિલેક્શન હુઆ હૈ
जो नौ महानुभावों ने वो नंबर सिलेक्ट किए हैं वो आपके पास करवाया जा रहा है। वो नौ नंबर 9x9 का कोष्टक मुनिश्री के पास आएगा, मुनिश्री उनको एक सेकंड के लिए देखेंगे, फिर आपको वो पेज स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। वो सभी नंबर आपको 481 से 489 में फिलअप करने हैं, उसका टोटल करके रखना है। मुनिश्री अवधान के दौरान उसको उसका टोटल करके आपको बताएंगे। मुनिश्री को वो पेज दिखाया जा रहा है, आपको स्क्रीन पे भी ये पेज दिखाया जा रहा है। अवधान नंबर 490, 65 से बड़ी और 999 से छोटी एक नंबर आपको बताना है, जिसको आप 5 से डिवाइड कर सको। जो नंबर आप बताएंगे वो नंबर मुनिश्री 5x5 के बॉक्स में उसको ऐसे पुटअप करेंगे जिसका वर्टिकल और हॉरिजेंटल आंसर आपकी दी गई नंबर के अनुसार होगा। 400 491 से 495 भगवत गीता के 15वें अध्याय एवं नारद भक्ति सूत्र के किसी भी श्लोक की प्रथम पंक्ति आपको बतानी है। पहली लाइन ऊर्ध्वमूल मदशाखा अहम वैश्वानरो भूत्वा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो यस न तत्र भासते सूर्यो अधश्चोद्वम प्रस्तुतास्तस्य शाखा। 496 से लेके 499 14 स्वप्न 5 कल्याणक 14 पूर्व 12 अंग 5 ज्ञान, इसमें से कुछ भी आप बता सकते हैं। मुनिश्री उत्तर के दौरान बारसा सूत्र में वो जहां पे आता होगा उसकी एक लाइन या गाथा आपको बताएंगे। ये अवधान हम साधु साध्वी जी भगवान को देंगे। दीक्षा कल्याण केवल ज्ञान प्राप्ति चंद्र देव विमान नंबर 500 एक 6 डिजिट की आपको नंबर बताना है, हो सके तो गुजराती में, नहीं हो तो इंग्लिश में। 1,08 100008 सभी लोग इष्ट देवता का स्मरण करें, नौकार मंत्र का स्मरण करें। मनुष्य झूठ क्यों बोलता है और उसे जरूरत क्यों पड़ती, झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या स्वर्ग सच्ची वास्तविकता है? आत्मा यानी आत्मा क्या होता है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम समय का जन्म कहाँ हुआ था? ऋषभ देव स्वामी का को केवल ज्ञान कहाँ हुआ था? इंसान के जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ऋषभ देव भगवान के माता पिता का नाम क्या था? जीव की उत्पत्ति कैसे होती है? महात्मा गांधी की जन्म तारीख कौन सी है? सा विद्या या विमुक्त है, जेने आत्मा जाण्यो तेने सर्व जाण्यो। जैनम जेती शासन स्वच्छ भारत सुंदर भारत, जो जीता वही सिकंदर, सब लोको पकम पितो गुरुदेवो भव, प्रभु नामे आनंद कंद, विद्या विनय की शोभे छे, नमे ते सौने गम, कमल समानार्थी पद्म, कुसुम समानार्थी पुष्प, पुण्य विरुद्धार्थी पाप, अंक समानार्थी संख्या, पानी समानार्थी जल, सफलता समानार्थी सक्सेसनेस, सोहम विरुद्धार्थी अहम, नर समानार्थी पुरुष, मिथ्यात्व विरुद्धार्थी सम्यक्त्व, प्रेम विरुद्धार्थी द्वेष, आरंभ समानार्थी प्रारंभ, आचार समानार्थी व्रत, पवन समानार्थी हवा, शांति समानार्थी साइलेंट, उत्साह विरुद्धार्थी निरुत्साह, धरती विरुद्धार्थी आकाश, नेत्र समानार्थी नयन, दृष्टांत समानार्थी उदाहरण, आकाश विरुद्धार्थी धरती,
આંતરિક વિરુદ્ધાર્થી બાહ્ય, 45 આગમ ગ્રંથ, વિશેષ આવશ્યક મહાભાષ્ય, ધર્મબિંદુ ગ્રંથ, ભાંડારકરની બુક, કલ્પસૂત્ર, આત્મસિદ્ધિશાસ્ત્ર, ગણધરવાદ, અધ્યાત્મસાર, બારસા સૂત્ર, આચાર્ય શ્રી રાજેન્દ્ર સુરી મહારાજ, ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથ, શાસન સમ્રાટ નેમિસુરેશ્વરજી મહારાજ, રામાયણ, આચાર્ય ત્રિષષ્ઠી શલાકા પુરુષ ચરિત્ર પ્રકાશચંદ્રજી મહારાજ, સમયસાર ગુણ આચાર્ય શ્રી ગુણસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ, પુરાણ શ્રી નાગેન્દ્ર મુનિજી મહારાજ, ભૂમિ ભાભા, લાલબહાદુર શાસ્ત્રી, એડોલ્ફ હિટલર, એરિસ્ટોટલ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, પંડિત ટોડરમલ, ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ, શહીદ ભગતસિંહ, 70મા નંબરે સંત જ્ઞાનેશ્વર, 71, મહાત્મા ગાંધી, મધર ટેરેસા, ઇન્દિરા ગાંધી, સીવી રામન, પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ, લોકમાન્ય તિલક, કાનજી સ્વામી, આઇઝનબર્ગ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, સ્વામી વિવેકાનંદ, નંબર 82, દેલવાડા, ખંભાતીર, દેલવાડા, સિડનીનું ઓપેરા હાઉસ, ખંભાતીર, માઉન્ટ ફુઝી જાપાન, હજારી, માલકુંડેશ્વર, તાજમહેલ, શંખેશ્વર, કુતુબ મિનાર, સમાંતર 5 રંગ, 9 કોષ્ટકનો સરવાળો 441. ઇટ્સ ઓકે, ઓકે. 1352 ટોટલ 11 અંકોનો સરવાળો, 101 પ્લેટ, 102 ખાલી, 103 પાણીની બોટલ, 104 હાથના મોજા, 105 ચશ્મા, 106 ખાલી, 107 સ્પ્રેની બોટલ, 108 કાસ્કો, 109 માઇક, 110 મોટી બોટલ, 111 બોલપેન, 112 માળા, 113 હોકાયંત્ર, 114 મોબાઈલ, 115 ખાલી, 116 ઘડિયાળ, 117 ખાલી, 118 પત્રિકા, 119 શતાવધાન બુક, 120 ચશ્માનું બોક્સ, 121 સોની નોટ, 122 ખાલી, 123 બેલ્ટ, 124 પોકેટ, 125 બટવો, 126 ચેન, 127 મેગેઝીન, 128 ચાર્જર, 129 બેચ, 130 સાંકળ, ધારેલી રકમ 131. આપ યસ કરકે ખડે હોકે અપના કન્ફર્મેશન દે સકતે હૈ. 90. જોર સે યસ કરે. 44, 66, 22, 47, 12, 15, 12, 45, 39. પડી સિદ્ધાનમ કરણે સંધિ ગરમ સંધિ જીણમ આકરણી તો ભી મહી તો ભી નિરીક્ષિતો ભી નમો જીનાનમ જીય ભયાણમ 7,00,000 પૃથ્વી ગાય ઉવસદ ગહરમ પાસન પાસન નંદામી વંદિત્તુ સર્વ સિદ્ધે લોગસ્થ ઉજ્જો વગરે નમો વરી હંતાણમ કલ્યાણકંદમ પરમમ જીણમ. ચૈત્ર, માગસર, એપ્રિલ, પોષ, નવેમ્બર, ઓગસ્ટ, આસો, માર્ચ, અષાઢ, ડિસેમ્બર. બકુલ ત્રિપાઠી, ચેતન ભગત, કવિ કાલિદાસ, જ્હોન બ્રિમ, કુમારપાલ, જગડુશા, કર્ણ, શેક્સપિયર, વસ્તુપાલ તેજપાલ, ભીમો કુંડલી, દિનાર, રિંગીત, યુરો, બ્રિટિશ પાઉન્ડ, યુએસ ડોલર. આનંદ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ, નરસિંહ મહેતા, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જગદીશચંદ્ર બોઝ, વિક્રમ સારાભાઈ, ભૂમિ ભાભા, બુદ્ધિસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ, પતંજલિ ઋષિ, નેમિસુરેશ્વરજી મહારાજ, શિવાજી, આંબેડકર, ગૌતમ સ્વામીજી, કસ્તુરભાઈ લાલભાઈ, રવિન્દ્રનાથ ટાગોર, સ્વામી વિવેકાનંદ, મહાત્મા ગાંધી, યશો વિજયજી મહારાજ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ,
મંગલ પાંડે, રાજા રામમોહન રોય, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ચાણક્ય, હેમચંદ્રાચાર્યજી, દીપચંદ ગારડી, વીર સાવર. જર્મન કે એક્સપર્ટ જીનકો એપોઇન્ટ કિયા થા? 51 51 86 51 86 56 86 50 51 15 51 કરેક્ટ 51 ફિશ કરેક્ટ અને 9 9 કરેક્ટ આંબો આસોપાલવ લીમડો પીંપળો બાવળ કલ્પવૃક્ષ ગુલમહોર તુલસી વડ નારિયેળ મોસંબી સફરજન સીતાફળ અંગૂર કીવી ચીકુ પપૈયું કલિંગ દાડમ સંતરા ભરવાદિરાજ પર્યુષણ રંગપંચમી 26 જાન્યુઆરી 15 ઓગસ્ટ 2 ઓક્ટોબર વસંતપંચમી દશેરા હોળી નવરાત્રિ નાતાલ મન થયેલે પ્રસન્ન હોવામાં તારી મૂર્તિ મન મોલ્યું એક જ દે ચિંગારી ઉગાડે જે શ્રે તારે વૈષ્ણવ જંતો તેને રે કહીએ ઉગે છે જે સુરતી ભર્યા રમી નદી સારે જહાં સે અચ્છા સિદ્ધા ચલના વાસી એક દિન પ્રભુ રમવા કારણ જનગણ મન અધિનાયક જય 185 255 325 395 મુનિશ્રી 9x9 81 બોક્સ ઉનકો જો નંબર દિયા ગયા થા ઉસકો ફિલઅપ કર રહે હૈ જિન્હોને યે નંબર દિયા હૈ ઉનકો હમ ચેક કરને કે લિયે દેંગે ઘંટનાર 29 256 કા આન્સર દે રહે હૈ મુનિશ પહેલી ગોળી 6 પર બીજી 9 પર ત્રીજી 12 પર ટોટલ લખોટી 5 પડે બુક કવર મોટું કવર મોબાઈલ અને કાર્ડ હોલ્ડર સાયોનારા બોન્ઝો તંબી ડોટ ડાઈમા ટુના મટુટા મહાનિશિષ પ્રજ્ઞાપના ઉત્તરાધ્યયન સીગડા બાપ 81મા નંબરે જે રહી ગયેલું હતું સાંચીનો સ્તૂપ બીજી વખતના 25 ચિત્રો જિન્હોને યે ટોટલ કિયા થા ઉન્હોને આન્સર દિયા એકદમ પરફેક્ટ ટોટલ હૈ 81 9x9 કા જો ટોટલ થા એકદમ સહી હૈ જંતર મંતર લેક પેલેસ ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા મૈસૂર પેલેસ બ્રિટિશ સ્ટેશન હવા મહેલ રાજઘાટ ચાર મિનાર નહેરુ પ્લેનેટોરિયમ મીનાક્ષી મંદિર શ્રવણ બેલગોડા માઉન્ટ એવરેસ્ટ ગાંધી આશ્રમ ગુલકોંડા ફોર્ટ સિદ્ધિવિનાયક ટેમ્પલ રાણકપુર મંદિર સમેત શિખર પાર્લામેન્ટરી હાઉસ દિલ્હી અમરનાથ તાજમહેલ રાષ્ટ્રપતિ ભવન અજંતા એલોરાની ગુફા સોમનાથ મંદિર ગિરનાર તીર્થ કોનાર્કનું સૂર્ય મંદિર વરેણ્ય તમસ કુટુંબ આગચ્છ ભક્તામ પ્રચોદયા મુક્કમ કુર્મ શુભ્રમ ગચ્છામિ લભાવય તુર્વરેણ્ય કરુણાવતાર ત્વામેવ સુહમ કલ્યાણ મંદિર કાંદી સગ નિરંદ્ર
किं कर्पूरमयम् अल्पश्रुतं प्रगाण अनुरुध्यते शरं उत्कडं तीर्थंकर आचार्य कल्याणकर अनुवाद स्वभाव धर्मला आह्लादक जी अक्षय चंद्र महाराज करुणा सागर जय जिनेन्द्र सुविधि ओम शांति सादर प्रणाम महावीर कच्छाधिपति श्रद्धा विरासत शासन जय सच्चिदानंद अनुमोदन स्पर्श अजित चंद्र श्रीवासुदेव सहस्राव बिहार फ्रांस हरियाणा कर्नाटका न्यूयॉर्क गुजरात इंग्लैंड अरुणाचल प्रदेश चेकोस्लोवाकिया राजस्थान आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ कजाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंडिया स्विट्जरलैंड जापान आसाम मध्य प्रदेश उत्तराखंड होनोलुलु मैथमेटिक्स यस करके अपना कंफर्मेशन दे 376 पैंतालीस साठ पंचासी पच्चीस छोत्तेर पचनियो बैतालीस सात छप्पन अठार तेवीस नौ तेर साड़तीस सुड़तालीस सत्तावन ओगनीस पांसठ ओगणसी त्यासी सत्ताणु अठार सुड़तालीस ओगणत्रीस बत्रीस तलवार तरपणी चाबी कंपास बॉक्स बॉल बे बाळको ग्लास थाळी ठवणी बास्केट टी शर्ट लैपटॉप पर्स रजोहरण सापड़ो टेबलेट भगवान कामड़ी वॉटर बैग कमंडल डोल हेलमेट पंखो फोल्डिंग पंखो कैमेरा नानी प्रतिमा पर्स कुर्सी कैप रस्सी शत्रुंजय संखेश्वर वत्तीर जिनालय रेवतगिरी समेत शिखर राता महावीर वड़ताल पालिताना श्रवण बेलगोड़ा पद्मासन कपालभाति मंडुकासन गोमुखासन सूर्य नमस्कार वज्रासन मयूरासन अनुलोम विलोम धनुरासन पर्यंकासन लंदन नो टावर ब्रिज माउंट एवरेस्ट नायग्रा फॉल्स पिज़ा नो मीनारो कोटाला टेम्पल क्राइस्ट रिडीमर शांति स्तूप मक्का मदीना एम्पायर स्टेट टावर सिडनी नो अपेरा हाउस कोलोसियम एफिल टावर माउंट फुजी जापान बर्ज खलीफा लंदन नो टावर ब्रिज बिग बेन टावर ग्रेट चाइना वॉल माचू पिछू गिजानो पिरामिड पिरामिड स्फिंक्स नायग्रा फॉल्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रेट बुद्धा जापान 476 अपना यस करके कंफर्मेशन दे 23 आवेलो जवाब 23 32 477 64 46 18 481 से 489 का टोटल 536 5x5 का बॉक्स जिन्होंने ये नंबर दिया था वो ये चेक करके बताएं हम आगे बढ़ते हुए 491 ये टोटल हो गया 486 ऊर्ध्वमूला मदा शाखा
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणभानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टम् अत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तभूद्वेदविदेव चाहं न तद्भासयति सूर्यो न शशाङ्को न भावक यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम अधस्वल्पं प्रस्तुतास्तस्य सखा गुणप्रवृद्धाविषय प्रबाला अधस्य मूलान्येन सन्ददानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके दीक्षाकल्याण तेन गलनं जनं सर्वं समयमवरे જે સેમ તણું સંચક ઓક્સિડલ સંચક 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 સ
અને તીર્થમાં જે રહી ગયું હતું તે રાણકપુર. સંસ્કૃત શબ્દોમાં જે રહી ગયો હતો તે હતો શબ્દ યસ્યા. અને હવે છેલ્લો 1,08,000. હવે ઉલટા ક્રમથી પણ 500 બોલી શકવાની શક્તિ ધરાવે છે, પરંતુ વર્તમાન કાળનો સમય જોતા એવું લાગે છે કે ઉલટા ક્રમથી 500 બોલવાનો સમય અત્યારે આપણી પાસે નથી. માટે બે વિભાગની અંદર આપણે ઉલટા ક્રમથી 10-10 ની સંખ્યા બોલાવવામાં આવે છે. જજ સાહેબ મોહિતભાઈ શાહ કોઈ પણ ઉલટા ક્રમથી 10 નંબરની વાત કરે એ ઉલટા ક્રમથી બોલવામાં આવશે. ત્યાર પછી બીજી વખતે ઉલટા ક્રમથી 10, પછી ત્રીજા રાઉન્ડની અંદર સભામાંથી કોઈ પણ નંબર બોલાશે તો એનો જવાબ આપશે. અને ત્યાર પછી ચોથા રાઉન્ડમાં તમે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછશો તો એનો નંબર બતાવશે. 336 નંબર. તે રિવર્સ 336 એ રિવર્સ. મારા સાહેબ બોલ રહે. જય જિનેન્દ્ર, આત્મસિદ્ધિ, કરુણાસાગર, જક્ષચંદ્ર મહારાજ, આહલાદક, ધર્મલાભ, સ્વભાવ, અનુવાદ, કલ્યાણકર, આચાર્ય, તીર્થંકર. દૂસરે જસ્ટિસ સર, કોઈ ભી 10 નંબર રિવર્સ મેં મુનિશ્રી આપકો બતાએંગે. 109 માઇક, કાસ્કો, સ્પ્રે, 106 ખાલી, ચશ્મા, હાથના મોજા, વોટર બોટલ ખાલી, પ્લેટ. अब तीसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ते हैं. यहां हॉल में से कोई भी एक नंबर बताएगा और उस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन है वो मुनिश्री बताएंगे. 352 फ्रांस. यस, नंबर 1. मनुष्य झूठ क्यों बोलते हैं और उसे झूठ बोलने की जरूरत क्या है. यस, दूसरे महानुभाव को कोई नंबर बताने के लिए दीजिए. 51 વક્ત ચિંતામ. યહાં સે સાધુ ભગવાન આચાર્ય ભગવાન કો મેં તીર્થભદ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ કો વિનંતી કરૂંગા આપ કોઈ નંબર બતાએ. 414
રજોહરણ. પરમ પૂજ્ય આચાર્ય અક્ષયચંદ્ર સાગર સુરીશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, નંબર સંખેશ્વર 11 11 સા વિદ્યા યા વિમુક્ત. ચોથા પડાવ હમ શરૂ કરતે હૈ. અભી હમારે લીએ બહોત મુશ્કિલ હૈ ક્યોંકિ મહાનુભાવ મેં સે કોઈ ભી પ્રશ્ન બતાયેગા ઓર વો પ્રશ્ન કોન સે નંબર પે થા વો મુનિશ્રી બતાયેંગે. ઓમ શાંતિ. 142 142 યસ સ્વામી વિવેકાનંદ. 190 નંબર યસ્યાહ. 370 નંબર સાધુ ભગવાન કો. એક વિનંતી કરતા હું આપકી ઓર સે એક ક્વેશ્ચન. બાહુબલી. 286 નંબર. ગુરુ ભગવાન આચાર્ય ભગવાન અનુયોગાચાર્ય નયચંદ્ર સાગર મહારાજ સાહેબ ઉનકી પરીક્ષા લેંગે. 207. ઓર એક દાન અભી 10 લાખ કા. અંજુબેન ધર્મેશભાઈ શાહ નિર્મલ લાઈફ સ્ટાઈલ કા 10 લાખ અભી ડિક્લેર હો રહા હૈ. જૈન હમ ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરતા હૈ ઉનકી. મહારાષ્ટ્ર કે ચીફ જસ્ટિસ શ્રી મોહિત શાહજી ઓર ઉનકે સાથ 7 જજ કી પેનલ એ સર્ટિફાઈ કર રહી હૈ કે ગુરુ ભગવંત ને ઇસ 6000 કી સભા કે બીચ મે 7 જજીસ કે બીચ મે 500 અવધાન પરિપૂર્ણ સફળતાપૂર્વક કિયે. મેં સભી જજીસ કો સ્ટેજ પે નિમંત્રિત કરતા હું. પૂજ્યપાદ અજીતચંદ્ર સાગર મહારાજ સાહેબ કી તત્વવાણી હમ સુનેંગે. કુછ પ્રશ્ન आप लोगों में से आए हैं और यहाँ पे रखे हैं. सबसे पहला प्रश्न ये है उनका कि आप क्या मानते हैं कि आपके शतावधान से जन जागृति आ जाएगी. एक बार की बात है, सदियों पहले जब एक गांव में एक बड़ा महल था और वो जलने लगा, उसकी आग के लपटे आकाश को छूने लगी थी, सारा गांव उस आग को बुझाने में तत्पर था और उस वक्त एक छोटी सी चिड़िया वो भी अपने मुंह में पानी लेके उस आग के ऊपर डालने की कोशिश करती थी. सारा गांव ये देखता था और उस वक्त उस बुजुर्ग वहां पे उपस्थित कोई बुजुर्ग ने उस चिड़िया से पूछा, जैसे कि आप लोगों ने मुझे पूछा, उस चिड़िया से पूछा कि इतना बड़ा महल है, आग के लपटों में है, तेरे छोटे से दो गुन तीन गुन पानी से क्या होगा. और उस वक्त उस चिड़िया ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया था. उसने कहा था, क्या होगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, जब इस महल का इतिहास लिखाया जाएगा तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में. और मेरे ये छोटे से प्रयत्न को देख के यहाँ पे जो लोग भी उपस्थित है, जो लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं, वे लोग भी बहुत सक्रिय होंगे और इस आग को बुझाने के लिए कभी भी जो भी अपने से होता है वो प्रयास कर लेंगे. आपने भी यही पूछा है कि इस शतावधान से अब जो चाहते हैं कि जन जागृति आ जाएगी, आ जाए या ना आ जाए, लेकिन एक प्रयास था, हमारा भी एक छोटा सा प्रयास था कि जन जागृति आ जाए, और अगर आए तो भी बहुत बड़ी बात है. शतावधान से आप जगत को क्या संदेश देना चाहते हैं और सरस्वती साधना से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहली बात यह है कि भारतीय संस्कृति वो साधना की संस्कृति है. हमारे देश में साधना बड़ा पूर्व काल से चली आई है. पश्चिमी संस्कृति में हमेशा ज्ञान का महत्व रहा है, जब भारतीय संस्कृति में साधना का. सोक्रेटिस को यदि जहर दिया जाएगा तो वो मर जाएगा. सोक्रेटिस को यदि जहर दिया जाएगा तो वो मर जाएगा, मगर मीराबाई को जहर दिया जाएगा तो वो अमर हो जाएगा. क्योंकि भारतीय संस्कृति वो ज्ञान प्रधान संस्कृति नहीं, साधना प्रधान संस्कृति है.
यहाँ के बच्चे बच्चे भी साधना करते हैं, यहाँ के हरेक लोग साधना करते हैं, यहाँ के बच्चे जो प्रापूर्व काल में थे वो भी सरस्वती माता की उपासना और साधना करते थे। सरस्वती साधना से जगत को एक ये संदेश देना जरूरी है कि आपके भीतर जो शक्ति है उसका आप एहसास करो और अनुभव करो और उसका सही तरह से उपयोग करो, क्योंकि आज के सभी लोगों को ये ख्याल है कुतुब मीनार कब बना वो उनको ख्याल है, ताजमहल कब बना वो उनको खराब ख्याल है, सारे जगत का उनको ख्याल है, लेकिन एक चीज का ख्याल नहीं है कि वो कौन है और उनके भीतर जो शक्ति है उनके माध्यम से वो क्या कर सकते हैं। सरस्वती साधना वो विद्यार्थियों को इसीलिए सिखाई जा रही है कि जो वो लोग जो है वो उनकी शक्तियों को पहचाने और वो अपनी शक्तियों का सही तरह से इस्तेमाल कर सके। और आखिरी एक प्रश्न है, आपने सरस्वती साधना सभी विद्यार्थियों तक क्यों नहीं पहुंचाई? आज दिन तक ये प्रश्न मुझे बहुत लोगों ने पूछा, लेकिन इस प्रश्न का जवाब मैंने आज तक नहीं दिया है, लेकिन जब आज पूछा है तो उत्तर दे रहा हूं। सरस्वती साधना जब मुझे करनी है तो वो एक अलग बात है, और बात जब आगे बढ़ती है कि साधना आप भी करो और सभी विद्यार्थियों को करवाओ तब बात बदल जाती है। महाराणा प्रताप जब ये सोचते हैं कि मैं मुगलों के सामने नहीं झुकना चाहता तब बात अलग है, तब उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं रहती, वो अकेले मेवाड़ के जंगलों में घूमते रहेंगे। लेकिन बात जब आगे बढ़ती है और वो उन जब ये सोचते हैं कि मैं तो मुगलों के सामने नहीं झुकना चाहता लेकिन मैं एक भी नागरिक को झुकने नहीं देना चाहता, तब बात बदल जाती है और तब उन्हें सबसे पहली जरूरत पड़ती है भामाशाह की। सरस्वती साधना जब मुझे करनी है तब बात अलग है, और बात जब ये आती है कि आप भी करो और सभी विद्यार्थियों को करवाओ तब बात का रूपांतरण हो जाता है। जब कोई भी चीज एक साथ में सभी को लेके करनी होती है तब बात का अंदाज बदल जाता है, और उस वक्त चाहे कोई भी कार्य हो हमेशा भामाशाह की जरूरत रहती है। हम तो चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों को साधना करवाए, लेकिन केवल हमारे चाहने से ये साधना नहीं होती है, हमारे साथ आपको भी चाहना जरूरी है। और जब आप भी चाहोगे कि आप भी साधना करो और सभी विद्यार्थियों को करवाओ तब ये बात सुलभ होगी, तब ये बात शक्य होगी और खूब शीघ्रता से ये आगे बढ़ेगी। शतावधान आप कैसे कर सके? शतावधान ये उनका आखिरी प्रश्न है कि आप कैसे कर सके। शतावधान कभी कोई एक चीज से नहीं होता है। यदि कोई आदमी चाहे और वो बोले कि मुझे माउंट एवरेस्ट का शिखर सर करना है तो वो कोई एक चीज से शिखर सर नहीं कर सकता। उसे लंच बॉक्स भी चाहिए, उसे रस्सी भी चाहिए, वाटर बैग भी चाहिए, लाइफ जैकेट भी चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, तब वो वहां माउंट एवरेस्ट पे पहुंच सकता है। शतावधान आज आप देख सकते हो, लेकिन कोई एक व्यक्ति से, कोई एक साधक से ये संभवित नहीं है। जब बहुत सारी चीज एक साथ एकजुट मिलती है तब ये शतावधान, तब ये 500 अवधान शक्य बनते हैं। आगमों का स्वाध्याय, गुरु भगवंतों की कृपा, गुरुदेव का सफल मार्गदर्शन, आगमों का कंठस्थीकरण, सहवर्तियों का संपूर्णतः सहयोग, जब ये सब मेरे साथ हुआ तब मैं 500 अवधान ये कर सका हूँ, तब मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। और ये शतावधान सरस्वती साधना, ये शतावधान और सरस्वती का साधना का संदेश सभी तक पहुँचे और सभी लोग अपनी उन्नति में तत्पर बने, बस यही। महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस माननीय मोहित भाई शाह गुरुदेव के पास पधारेंगे, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद लेंगे। आप सर्वांना नमस्कार। पूज्य आचार्य नयचंद्र सागर सूरीजी महाराज साहेब, मुनिश्री अजितचंद्र सागरजी महाराज साहेब, साधु महाराज साहेबो एवं साध्वीजी महाराज साहेबो, सरस्वती साधना रिसर्च फाउंडेशन ना ट्रस्टीओ, मुमुक्षु बहनों और भाइयों, जेवी रीते जैन धर्म में बधा जीवों ने सामन गणवामां आवे छे एवी रीते बधी भाषाओं ने पण सामन गणवामां आवे छे। ये आपणे जोयुं के श्री अजितचंद्र सागरजी महाराज साहेबे
જે આપણે ફિગર્સ હોય અક્ષરો એમના જર્મનમાં કયા શબ્દો છે એ પણ એ જાણે છે અને એમને સ્પષ્ટપણે સાચું ઉચ્ચારણ કર્યું છે એ બધા પાસે એમની પાસેથી આપણે આ બોધ લેવો જોઈએ કે કોઈ ભાષા કે કોઈ ધર્મ વચ્ચે કોઈ વિખવાદ નથી બધી ભાષાઓ અને બધા ધર્મ આખી સમાજ આખા સમાજ માટેના છે આજે અર્ધ સહસ્રાવધાન કર્યું મહારાજ સાહેબે એ મારા જાણવા પ્રમાણે ભારત વર્ષમાં અથવા તો દુનિયામાં પહેલું અર્ધ સહસ્રાવધાન છે શતાવધાન પહેલાં થઈ ચૂક્યા છે ભારત વર્ષનું સૌથી પહેલું શતાવધાન શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ કર્યું હતું અને એનો લાભ પણ મુંબઈ નગરીને મળ્યો હતો દેટ હેપન્ડ ઇન ધી યર 1887 વેન શ્રીમદ રાજચંદ્ર પરફોર્મ શતાવધાન ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ધ ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ધી બોમ્બે હાઈકોર્ટ સર ચાર્લ્સ સાર્જન્ટ આઈ એમ વેરી હેપી એન્ડ પ્રિવિલેજ દેટ ટુડે અલોંગ વિથ માય સિક્સ અધર બ્રધર્સ આઈ હેવ ધી પ્રિવિલેજ ઓફ ડિક્લેરિંગ મુનિશ્રી અજિતચંદ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ એઝ ધી અર્ધ સહસ્રાવધાની અવર કન્ટ્રી અવર સોસાયટી નીડ્સ ટીચર્સ ગુરુઝ લાઈક અજિતચંદ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ હુ કેન ટીચ ધેમ હાઉ ટુ સ્ટડી હાઉ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ વિધિન હાઉ ટુ એમ્પાવર ધ સોલ એન્ડ હાઉ ટુ એનરીચ ધ માઇન્ડ આઈ એમ વેરી હેપી દેટ સરસ્વતી સાધના રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન હેઝ ટેકન અપ ધીસ ગ્રેટ મિશન એન્ડ ઇઝ ડુઈંગ અ વન્ડરફુલ જોબ આઈ વોઝ ઓલ્સો પ્રિવિલેજ ટુ અટેન્ડ ધી શતાવધાન પ્રોગ્રામ્સ વિચ વર હેલ્ડ અ ફ્યુ મંથ્સ બેક વેન 14-year-old બાલમુનિ પદ્મપ્રભુ મહારાજ પદ્મ પ્રભા ચંદ્રસાગર પરફોર્મ શતાવધાન એન્ડ ધી સેકન્ડ ઓકેઝન વેન ચંદ્રપ્રભા ચંદ્રસાગર ઓલ્સો પરફોર્મડ અનધર શતાવધાન સો ટુડે આઈ કન્ફર ધી ઓનર ઓફ અર્ધ સહસ્રાવધાન ઓન મુનિશ્રી અજિતચંદ્ર સાગરજી મહારાજ સાહેબ ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ઓલ એન્ડ વી ઓફર અવર પ્રણામ્સ ટુ ધેમ ઉમેશભાઈ ગાલા હમારે સરસ્વતી સાધના ફાઉન્ડેશન કે પાયા કે નિયુ અભી આભાર પ્રદર્શન કરેંગે પૂજનીય મંચ ઓર સન્માનનીય સદન યે કહેના સહી હોગા કે આજ એક સરસ્વતી કે સાધક ને ઇસ મોહમય મુંબઈ નગરી કે લક્ષ્મી ઉપાસકો કો મંત્રમુક્ત કર દિયા હૈ હા યા ના આપ લોગ ઇસ મંચ કો ઇસ સદન સે જબ ઉઠ કે જાયે તો એક હી શ્રદ્ધા લેકે જાના કે એસી અનગિણિત શક્તિઓ કા પુંજ હમારે ભીતર ભી સમાયા હુઆ હૈ બસ ઉસકો ઉજાગર કરને કી શ્રદ્ધા ઓર સામર્થ્ય જગાએ યે મહાકાય આયોજન સફલ કરને મે હમકો કઈ લોગો કા પ્રત્યક્ષ ઓર પરોક્ષ સહયોગ મિલા સભી કા નામ લેના યહાં પર સમય નહીં હૈ હમારે ડોનર્સ હમારે સ્પોન્સર્સ વિશેષ વ્યક્તિ જો મુંબઈ કે અલગ અલગ જગા સે આયે હૈ મેં સભી કા ધન્યવાદ કરતા હું ઓર એક સંસ્થા કા નામ મેં અવશ્ય લેના ચાહુંગા જિન્હોને યે પૂરે કાર્યક્રમ કો અપને કંધો પર ઉઠાયા હૈ જૈન યુથ ફોરમ મુલોન ઓર ઉનકે કર્ણધાર જિગ્નેશભાઈ દોશી ઉનકે લિયે 3 ચીયર્સ હિપ હિપ હુરે હિપ હિપ હુરે સરસ્વતી સાધના કા યે યજ્ઞ જો ગુરુદેવ ને આજ આરંભ કિયા હૈ ઉસ યજ્ઞ કો આપ સબ જિતના સહયોગ દે સકે સહયોગ દીજીએ ઓર ઇસકો એક મિશન હમ બનાએ બસ યહી અભ્યર્થના કે સાથ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સબસે જ્યાદા આભાર તો આપ લોકો કા કિ 6 ઘંટે ભૂખ પ્યાસ કો છોડકર ઇસ સાધના મે ઇસ યજ્ઞ મે ઇસ અર્ધ સહસ્ત્રાવધાન મે આપ સબ શામિલ હુએ ખૂબ ખૂબ આભાર થેન્ક યુ બોલો જીનો શાસન દેવ કી જય
महावीर भगवान को किस वर्ष में मुक्ति प्राप्त हुई? भगवान नेमिनाथ नो जन्म क्यारे थयो? अपमान समानार्थी। महावीर भगवान को मुक्ति किस साल में मिली? संभवनाथ भगवान ना पिता नो नाम शु? 360,000। ओला मिलियामो फोतुना पर्यंत ज्वलन। नंबर सेवन सात सेवन संभवनाथ भगवान ना पिताजी नो नाम शु? अलेक्सेंडर ग्रेहम बेल। Thank you very much for inviting Guinness World Records here today to Mumbai. We've come all the way from London and it's a real privilege to be here for this Guinness World Records attempt for most random objects memorized. I'm going to review all of the evidence now and take all of this back to the Vice President of Guinness World Records, and then I'll be able to send the results over it within the next few weeks. But I wanted to thank you again for all of your kindness and hospitality and generosity in having Guinness World Records here today in Mumbai. It's been a real privilege and it's been so unique and powerful for me to see this here today. Thank you.